स्टूडेंट वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम थर्ड चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर को कंटिन्यू करेंगे। आज मैं आपको सेक्रीफाइस रेशियो का टॉपिक करवाऊंगी। इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने आपको हर एक टॉपिक को कंसिस्टेंसी से करवाया है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेज अटेंड नहीं की तो प्लीज़ जाके पहले वो अटेंड कीजिए ताकि कंसिस्टेंसी आपकी बनी रहे और आपको अच्छे समझ में आए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप वीडियोस को अटेंड करें और आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। आज हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है कि जब एक नया पार्टनर ऐड होता है फर्म के अंदर तो ओल्ड पार्टनर्स को अपने प्रॉफिट का शेयर सरेंडर करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है नए पार्टनर की फेवर में। तो वो क्या करती हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, तो उनको सेक्रीफाइस रेशियो बोला जाता है जिस रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स अपने शेयर को सेक्रीफाइस करते हैं न्यू पार्टनर्स के लिए। तो जब ओल्ड पार्टनर्स ने अपने शेयर को सेक्रीफाइस किया है न्यू पार्टनर की फेवर में तो जब न्यू पार्टनर गुडविल लेके आएगा तो वही गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी उसी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जिसमें नए पार्टनर ने गेन किया होता है। तो अब आपको मैं एग्जांपल नंबर इसका इलस्ट्रेशन करवाती हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 16 स्टेटमेंट देखो क्या कहती है। स्टेटमेंट के अंदर जैसे जैसे क्वेश्चन बोला गया है उसके अंदर तो हम करेंगे स्टेटमेंट को। कहते हैं कि अनिल और सुनील पार्टनर्स हैं, शेयरिंग रेशियो 3:2 है। एडमिट किया गया चरण को न्यू पार्टनर्स है 1 अप्रैल 2023 को। कहते कि अनिल सुनील दो पार्टनर, उनका रेशो चरण को ऐड किया गया है। अनिल गिव 1/3 ऑफ हिज शेयर और वाइल सुनील गिव 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। देखो बच्चों यहाँ तो उसने ऑफ वर्ड इस्तेमाल किया है। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीपल करके लेते हैं। फ्रॉम का मतलब होता है से। तो यहाँ पे अनिल ने 1/3 अपने शेयर का और सुनील ने 1/10 अपने शेयर में से सेक्रीफाइस कर दिया है। कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड द न्यू रेशियो। तो देखो फ्रॉम का और ऑफ का क्या इंपैक्ट पड़ता है कि जब ऑफ बोला जाता है क्वेश्चन में तब तो हम मल्टीपल करती हैं, लेकिन फ्रॉम के क्या होते हैं कि हम डायरेक्टली उसका शेयर उठा लेते हैं जितना भी गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर। जैसे एग्जाम्पल नंबर 16 में हमें जो जो स्टेटमेंट के अंदर बोला है पहले मैं वो आपको राइट डाउन करके देती हूँ कि अपने पास अनिल और सुनील यानी कि अनिल और सुनील दो पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो 3:2 है। इन्होंने चरण को ऐड कर लिया यानी कि जो चरण है वो ऐड किया गया है, 1/3 शेयर के लिए ऐड किया गया है। अब देखो जो ये चरण ऐड हुआ है इस चरण को पुराने पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट में से शेयर सरेंडर कर दिया। तो जो अनिल ने दिया है, अनिल ने कितना दे दिया, कहता है 1/3 दिया है अनिल ने अपने शेयर ऑफ हिज का मतलब है कि अनिल के अपना शेयर 3/5 है। 3/5 का 1/3 उसने दे दिया तो 3 से 3 कैंसिल होकर यानी कि 1/5 है जो अनिल ने अपने शेयर में से चरण को दे दिया। अब नेक्स्ट कहते हैं कि जो सुनील है, सुनील ने अपने शेयर में से, यहाँ पे बोला था कि अपने शेयर का तो मल्टीपल कर दिया, और नेक्स्ट में कहते हैं सुनील ने अपने शेयर में से तो उसने 1/10 दे, तो यहाँ पे मैं मल्टीपल नहीं करूँगी, डायरेक्टली 1/10 उठा लिया जाएगा। तो यहाँ पे अपन इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे आएगी, जितना जितना उन्होंने ओल्ड पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस कर दिया। जैसे यहाँ पे अनिल और सुनील है, अनिल ने 1/5 सेक्रीफाइस किया, सुनील ने 1/10 सेक्रीफाइस किया। जब हम इनका 10 एलसीएम लेते हैं 2:1 क्या आ जाएगा, इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। तो यानी कि ओल्ड पार्टनर ने अपने शेयर में से 2:1 क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया न्यू पार्टनर की फेवर में। तो इस तरीके से हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई है। नेक्स्ट कहते हैं कि न्यू रेशियो बताओ। तो न्यू रेशियो कैसे बताएंगे हम, न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए देखते हैं कि पहले अनिल के पास ओल्ड शेयर था कितना, जितना उसके पास ओल्ड शेयर था और जितना उसमें से दे चुका है, सेक्रीफाइस कर चुका है, वो माइनस करके क्या आ जाएगा, उसका नया शेयर आ जाएगा। अब देखते हैं कि अनिल के पास पहले ओल्ड शेयर था 3/5, 3/5 में से उसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया, उसने अपने शेयर में से 1/5 सेक्रीफाइस कर चुका है, तो 5 एलसीएम आ जाएगा, 3-1 यानी कि 2/5 क्या आ गया, उनका नया शेयर आ गया।
गया। इस तरीके से अब अनिल के बाद अब नेक्स्ट सुनील का कैलकुलेट करते हैं। सुनील के पास देखते हैं कि पहले शेयर 2/5 था, ओल्ड रेशियो है जो 2/5 है, उसमें से वो कितना सैक्रीफाइस कर चुका है। सैक्रीफाइस कहता है कि जो सुनील है वो 110 कर चुका है, तो 110 जब इसमें से माइनस करते हैं, 10 एलसीएम आ जाएगा, तो 5 2 10 2 2 4 -1 करके यानी कि 3/10 अब इसका शेयर आ गया। तो इस तरीके से इनका नया शेयर आ गया दोनों पार्टनर्स का, अनिल का भी और सुनील का भी। यहाँ से अब हम न्यू रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास अनिल है, सुनील है और तीसरा क्या हमारे पास चरण है। तो अनिल का जो शेयर आता है वो हमारे पास अब बनता है 2/5, सुनील का बनता है 3/10 और चरण का हमारे पास है 1/3 से। तो जब हम इसका सोल आउट करते हैं एलसीएम लेकर के, तो अगर हम एलसीएम लेते हैं इसका, तो हमारे पास देखो चरण का अभी 1/3 नहीं है बच्चों, चरण का हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया उतना उसको मिल जाएगा। तो यानी कि अब इसको यानी कि कैलकुलेट करके चलते हैं, जितना इन्होंने सरेंडर किया है सेक्रीफाइस किया उतना ही चरण को मिलेगा। तो चरण का शेयर यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, चरण को कितना मिलेगा यहाँ से 1/5 तो कौन देगा, अनिल देगा, और 1/10 कौन दे देगा, सुनील दे देगा। 10 एलसीएम आ जाएगा, 5 2 10 प्लस में 1 करें तो यहाँ पे 3/10 बनेगा इसका शेयर, यानी कि जो चरण को शेयर दिया जाएगा 3/10, क्योंकि जितना ओल्ड पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है उतना न्यू पार्टनर को क्या होगा, गेन हो जाएगा। तो जितना जितना इन्होंने सेक्रीफाइस कर दी वो क्या हुआ, चरण को मिल चुका है। तो यहाँ पे जो शेयर आएगा वो इसका 3/10 आएगा, क्योंकि 3/10 इसको मिल चुका है, ओल्ड पार्टनर ने अपना शेयर जो सेक्रीफाइस किया जो, तो 3/10 आ चुका है यहाँ पे। तो जब हम इनका एलसीएम लेते हैं तो 10 एलसीएम आता है, 5 2 10 2 2 4 तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे इसका आ जाएगा 3, तो हमारे पास कितना बन जाएगा 4:3:3। तो इस तरीके से ये नया रेशियो कैलकुलेट किया जाएगा। तो आई होप बच्चों की आपको समझ में आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा इलस्ट्रेशन बनता है 18। तो 18 की स्टेटमेंट क्या कहते हैं, कहते हैं एक्स और वाई शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2:5:3। जेड एडमिट किया गया है, डिसाइड दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो अब वाई और जेड में क्या आएगा, सेम रहेगा जो एग्जिस्टिंग था एक्स और वाई के बीच में। कहते हैं कैलकुलेट करना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कहते हैं न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करनी है इसमें हमने और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करके चलेंगे। तो जैसे जैसे हमें स्टेटमेंट में बोला गया हम वैसे वैसे इसमें लिखते हैं कि कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा। देखो एग्जाम्पल नंबर 18 में हमारे पास एक्स वाई और जेड पार्टनर्स हैं। कहते हैं कि एक्स और वाई का जो रेशियो है वो 5:3 रेशियो से है। कहते हैं जेड को एडमिट किया गया, जब जेड को एडमिट किया गया तो कहते हैं जो इनका रेशियो रहेगा वो वाई और जेड में, कहते हैं वो वही सेम रेशियो रहेगा जो एक्स और वाई में था। एक्स और वाई में क्या था, 5:3, यानी कि अब इनका वाई और जेड का रेशियो ये हो गया। तो देखो बच्चों हमें यहाँ से ये दो का रेशियो तो पता ही, ये मिसिंग है, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डाटा अवेलेबल है। हम देखते हैं कि जब वाई का शेयर यहाँ पे 5/8 था, तब उस टाइम पे जो जेड का शेयर है वो कितना, 3/8 है। तो जब हमारे पास वाई का शेयर 3/8 है तो जेड का शेयर कितना हो जाएगा, 3/8, तो ये डिवाइड में चला जाता है 5/8, तो ये मल्टीपल में चला जाएगा 3/8। तो जब हम इसको सोल आउट करते हैं, सोल आउट करके हम देखते हैं कि जो ये 3/8 है तो जो ये डिवाइड में है ये मल्टीपल में चला जाता है ऊपर, तो रकम पलट जाती है, डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाते हैं, नोमिनेटर डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे 8/5 हो जाएगा, ये मल्टीपल बाय 3/8 एसडीज रहेगा। 8 से 8 जब हम कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीपल डिवाइड में पड़े हैं, तो हमारे पास मल्टीपल करके कितना आ जाएगा, 9/40, यानी कि हमारे पास जेड का शेयर कितना आ गया, 9/40 आ गया। तो यहाँ से अब हमारे पास नया रेशो आ जाएगा। नया रेशो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स और वाई का तो हमारे पास क्वेश्चन में पहले से पड़ा है, जेड का हमने कैलकुलेट कर लिया। एक्स का 5/8 से है, वाई का 3/8 से है, जेड का 9/40 से है। जब हम इसका 40 एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास जब 40 को 8 से डिवाइड करते हैं, 8 5 40 5 5 25, तो 25 आ जाएगा। ऐसे 8 5 40 और 5 3 15, ऐसे 40 से 40 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9। तो इसका एलसीएम 40 लेने के बाद हमारे पास न्यू रेशियो कितना बन गया, 25 15 और 9, ये क्या बन गया, नया रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन के अंदर हमें दोनों चीज़ पूछी है, कहता नया रेशियो बताओ और सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताओ। तो अब हमें न्यू रेशियो पता चल गई है, ओल्ड रेशियो हमारे पास गिवन है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो करके। तो हम एक्स का देखते हैं, ओल्ड शेयर पहले कितना था, 5/8 था, अब यहाँ पर न्यू रेशियो हमारे पास 25 15 और 9, कितना बन जाएगा, 25/49। जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 392 और सोल आउट करके ऊपर आ जाएगा 45।
ऐसे वाई का शेयर आ जाएगा, वाई का शेयर पहले कितना है 3/8 है, उसमें से कितना माइनस कर देंगे, न्यू रेशियो अब हमारे पास है 15/49, तो जब हम इसको सोल्व आउट करते हैं तो हमारे पास बनता है 392 और इसको सोल्व आउट करके हमारे पास बनता है 27 से। तो अब हमारे पास ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं, तो ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइस हमें पता चल गया कैसे है 45/392 और 27/392, तो यहाँ पर इनका सेक्रीफाइस रेशियो आ जाएगा एक्सिस टू वाई करेंगे 45/392 से ऐसे 27/392। तो अब जब हम इसका 392 एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास 45:27 क्या आ जाएगा रेशो आ जाएगा, जब हम इसको डिवाइड करते हैं डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 5:3, तो ये हमारा क्या आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गया। तो इस तरीके से बच्चों हमने कैलकुलेट कर दिया ऑल रेशो हमारे पास गिवन था, ऑल रेशो से हमने पहले तो नया रेशियो कैलकुलेट किया क्योंकि जेड का मिसिंग शेयर था, जेड के मिसिंग शेयर कैलकुलेट करके हमें न्यू रेशियो पता चला, ओल्ड और न्यू रेशियो की हेल्प से हमने क्या कैलकुलेट कर दिया सेक्रीफाइसिंग रेशियो कर दिया। इसे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दो एग्जांपल और कराऊंगी, वो थोड़ा डिफरेंट है, इसे नेक्स्ट क्लास में आपको मैं दो और एग्जांपल कराऊंगी 19 और 20। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करें।